बात समझने का मौका मिले। और इस व्यू पॉइंट को मद्देनजर रखकर मैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुझे इनवाइट मिला तो मैंने जाने का फैसला किया था, क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके द्वारा मैं उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जाने वाले जो एक प्रयास है उसके बारे में मैं जानकारी दे सकता था। इसी प्रकार से मैं उनका हमारे प्रति क्या एक उनकी क्या हमारे प्रति ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में मैं जानकारी ले सकता था। जैसा दोस्तों याद है आपको कि मैं 4 बजे गया था तो तकरीबन मेरे ख्याल में घंटे के आसपास हमारी बातचीत हुई, उसमें कई प्रकार के मुद्दे हुए तो मैंने उन्हें क्राइम जो है जनरल किस प्रकार से हम क्राइम कोई रजिस्ट्रेशन सच्चाई से कर रहे हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी। उसके अलावा मैंने उन्हें जानकारी दी कि किस प्रकार एक हमारा फर्ज होता है जब भी किसी हम केस की इन्वेस्टिगेशन करें उसकी इन्वेस्टिगेशन एक न्याय संगत इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सच्चाई के बॉटम तक पहुंचा जा सके। उसके अलावा किस प्रकार से पुलिसिंग के अंदर में उनसे हमें मदद मिल सकती है कुछ उस बारे में बातचीत हुई। तो इन विचारों का आदान प्रदान हुआ तो मेरे ख्याल में मेरे लिए इतना ही आपको बताना काफी है, क्योंकि आप ये समझिए कि बहुत ही हमारी बात एक आत्मीय ढंग से और बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई है और मुझे उनका व्यू पॉइंट समझने में सहायता मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो व्यू पॉइंट है उन्हें भी जो है के अंदर झांकने की उन्हें पूरी मैंने अपॉर्चुनिटी दी है। सर जो शुक्रिया सर जो शब्द का इस्तेमाल किया था सर उसके लेके पूरे दिल्ली पुलिस आहत है सर, आप सीएम से मिले होंगे सर, उन्होंने आज आपने कोई सफाई दी है इसके लिए सर गिल्टी फील करी सर? नहीं देखिए मैंने उस इशू पे मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता ज्यादा, हालांकि वो मुद्दा जरूर आया। मैं अपने पुलिस के साथियों को सलाह दूंगा कि हमें जो है कभी भी अगर हमारे कोई बात इस प्रकार की कहता है जो हमें अच्छी नहीं लगती उस पर हमें विचलित नहीं होना, क्योंकि पुलिस में एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि दुख और तकलीफ को सहन कर सके। अगर कोई ऐसी बात भी कह दी जाए जो उन्हें बुरी लगे उसको भी सहन करना होता है। आपने देखा होगा कई बार जब एजिटेशन होते हैं लोग कई बार कहते हैं, तो मैं तो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगा। Sir, there were a couple of points which were made by a press conference which was done by a Delhi minister right after your meeting got over, in which the two points which he made was Delhi police is being insensitive and is taking the case lightly of a girl who has been stabbed multiple times and she died of that, and also said that you refused to give in the details which was sought by the... I am not sure of who has said this. This assertion has been made by Mr. Jain. Yes. After the meeting or before the meeting? After the meeting. did he make any reference to the meeting or he made it otherwise? No, no. Sir, this is a statement. He says this was the perception, his perception. No, I think in that case it is my responsibility to make it very clear. Any incident of crime, we take it as a challenge. उसने उसको चाकू से मारा, जिसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन था कि किसी चीज को इस तरह से हल्के में लेना, और उनका यह भी कहना था कि इस चीज को मुद्दाना बनाया जाए। हत्याएं तो दिल्ली में होती ही रहती हैं, उन्होंने काफी डाटा भी दिखाया कि 500 हत्याएं एक साल में होती हैं, 700 हत्याएं होती हैं, पर हमारा इस बात पर कोई संभव नहीं है कि कोई एक आदमी 32 बार चाकू मारे और उसको पुलिस इतने हल्के में ले, और पुलिस ने उसको सबसे बड़ी बात है रिमांड तक पर लेने की जरूरत नहीं समझी। जब ये क्वेश्चन रेज किया गया तो कमिश्नर साहब का कहना था कि रिमांड पर लेना ना लेना पुलिस की अपनी मर्जी है, जरूरत समझेंगे तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। बट थोड़ा अजीब सी बात है कि हत्या के इतने संगीन जुर्म के अंदर पुलिस ने इतने हल्के में लिया, और पुलिस का बार बार ये कहना कि उस लड़की ने उनकी इंसल्ट की। इंसल्ट का मतलब ये थोड़ा होता है कि तुम किसी को चाकू से मार दोगे, और चाकू लेके घूमना ये कोई लगता तो नहीं है कि इतने शरीफ लोग रहे होंगे कि किसी को ऐसे मार दिया जाए। तो हमारा बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है कि पुलिस लगता है इस मामले को आपस का झगड़ा बताना चाह रही है,
जब उन्होंने कहा गया कि उनकी आपस में पहले काफी शिकायतें रही हैं, कमिश्नर साहब ने पहले तो बोला कि नहीं उनके आपस के झगड़े थे, जब उनको दिखाई गई कि 2013 में कंप्लेंट थी तो उन्होंने कहा हाँ कंप्लेंट थी पर यह कंप्लेंट झूठी है। ये भी बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि पुलिस को अभी इंक्वायरी चल रही है, उनको सब पता है कि सारी कंप्लेंट झूठी थी। जब उनसे कहा गया कि उन्हें बार बार पीछे भी कंप्लेंट की हैं तो कमिश्नर साहब का ये कहना था कि हाँ पहले तो कहा कि नहीं कोई कंप्लेंट नहीं थी, बाद में उन्होंने कहा 25-30 कंप्लेंट उनके पास पीसीआर में की गई है पर वो सारे की सारी झगड़े की थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि एक लड़की और उसके परिवार वाले बार बार कुछ लोगों की शिकायत कर रहे हैं और अल्टीमेटली वही लोग उस लड़की की हत्या करते हैं और पुलिस उसमें हल्के में लेने की बातें कर रही है। बहुत ही अब सुन लीजिए पहले, हमने इसके अलावा उनसे कई चीजें और पूछी कि अब तक दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने पुलिस में शिकायत की है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी शिकायत के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई और जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। हमने ये भी पूछा कि दिल्ली में लगभग 1500 इंस्पेक्टर हैं जिनमें से कुछ ही लोगों को बार बार SHO बनाया जाता है, बाकी ऐसे लोगों की लिस्ट दी जाए जिनको कभी SHO नहीं बनाया गया और ऐसे लोगों की लिस्ट भी दी जाए जिनको बार बार SHO बनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब उन्होंने देने से मना कर दिया है कि वो इस तरह की किसी चीज का जवाब नहीं देंगे। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर उनसे किसी चीज की जानकारी चाहते हैं तो उन्हें देनी चाहिए। बस्सी साहब ने एक 500 लोगों की लिस्ट देने की बात कही मुख्यमंत्री जी को कि जैसे आपने इस लड़की की हत्या में पेरेंट्स को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, कहता आपने सब 500 लोगों को भी मुआवजा दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिएगा ये लिस्ट अपने जिनको बार बार वो अपने जिक्र कर रहे थे मीटिंग में कि बॉसेस कि अपने बॉसेस को दे दीजिएगा, PM साहब को दीजिएगा। तो मुख्य उनका बस्सी साहब का कहना यह था कि PM साहब के पास इन चीजों के लिए इतना समय नहीं है कि जो सी लड़की ने कल्प्रिट को देखकर थूका था और फिट ऑफ रेज में उसने उसको चाकू से मारा। चलिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार के बीच बड़े इस विवाद पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त बड़ी